अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक में हम बनाएंगे खीर और दूसरी रेसिपी में हम बनाएंगे बिरयानी, जो कि घर के ही मसालों से हम तैयार करेंगे बग़ैर बिरयानी मसाले के। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खीर बनाएंगे। खीर बनाने के लिए हमने आधा कप चावल लिए हैं, इनको आधे घंटे से पानी में भिगो दिया है। चीनी आधा कप या हसब ज़रूरत। 10 से 12 अदद बादाम लिए थे, जिनको गर्म पानी में डालकर छिड़का उतार लिया है और इनको काट लिया है। 10 से 12 अदद कटे हुए पिस्ते, 1 खाने का चम्मच किशमिश और आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर। सबसे पहले चावलों को हाथों से मैश कर लेंगे। चावलों को हाथों से मैश कर लिया है। यहाँ हमने 2 लीटर दूध ले लिया है, इसको आधे घंटे तक हल्की आंच पर पका लेंगे और साथ साथ चम्मच से मिक्स करते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लग जाए। पंद्रह मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए, आप इसको मज़ीद 15 मिनट और पका लेंगे और इसमें चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे। दूध को पकते हुए आधा घंटा हो गया है, अब इसमें ये चावल डाल देंगे जिनको हमने पहले से हाथों से मैश कर लिया है। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल डालने के बाद इसको हल्की आंच पर मज़ीद 1 घंटे तक पका लेंगे और साथ साथ चम्मच से मिक्स करते रहेंगे ताकि चावल नीचे ना लग जाए। खीर को पकते हुए आधा घंटा हो गया है, इसके चावल अच्छी तरह से गल गए हैं। इसको मज़ीद आधा घंटा पका लेंगे और इसकी चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि खीर नीचे ना लग जाए। खीर को पकते हुए 1 घंटा हो गया है, अब इसमें हसब ज़रूरत चीनी डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, अब इसमें किशमिश डाल देंगे और खीर को मज़ीद 20 मिनट तक पका लेंगे ताकि चीनी का जितना पानी है वो खुश्क हो जाए। खीर को 20 मिनट तक पका लिया है, इसमें चम्मच को मुसलसल चलाते रहें ताकि खीर नीचे ना लग जाए। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें इलायची का पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कटे हुए पिस्ते और बादाम डालकर मिक्स कर लेंगे।
खीर तैयार है, अब इसको सर्व करेंगे। अब इस पर पिस्ते और बादाम से गार्निश कर लेंगे। खीर तैयार है, इसको हमने सर्व कर दिया है। अब हम बीफ बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी बनाने के लिए एक पॉट में 1 कप ऑयल डाल देंगे। अब इसमें 4 अदद बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। इनको मिक्स कर लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे। और बाकी प्याज में ये 1 किलो बीफ का गोश्त है, ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त का कलर चेंज होने तक इसको पका लेंगे। गोश्त को 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है, अब इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक अदरक और लहसुन को गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है, अब इसमें 2 अदद तेज़पात, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 10 अदद लौंग, 2 अदद बादियान के फूल और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे।
सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 5 अदद बड़े टुकड़ों में कटे हुए टमाटर डाल देंगे, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। अब गोश्त को कवर करेंगे और इसको हल्की आंच पर 40 मिनट तक पका लेंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें 1.5 खाने का चम्मच या हसबे जायका नमक, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को 3 मिनट तक भून लेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। आप इसमें 4-5 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और 1 कप दही डाल देंगे। और इसको तेज़ आंच पर भून लेंगे। तीन चार मिनट तक गोश्त को भून लिया है। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 1/4 चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे और 4 खाने के चम्मच लेमन जूस डालकर मिक्स कर लेंगे। कोरमा तैयार है। अब हम बिरयानी के लिए चावलों को बॉयल कर लेंगे। चावलों को बॉयल करने के लिए पानी को गर्म कर लिया है। अब इसमें 4 चाय के चम्मच नमक डाल देंगे, 1 अदद तेज़पात, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। अब इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल देंगे और 4 गिलास चावल डाल देंगे जिनको हमने पहले से पानी में भिगो दिया था। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चावलों को बॉयल कर लेंगे। चावल बॉयल हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। अब बिरयानी की तह लगाएंगे जिसके लिए सबसे पहले चावल डाल देंगे। अब इस पर गोश्त डाल देंगे। अब इस पर दोबारा चावल डाल देंगे। इस पर दोबारा गोश्त की लेयर लगा देंगे। अब इस पर स्लाइस में कटे हुए लेमन, धनिया और पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे जो कि फ्राई करते वक्त हमने निकाल ली थी। अब इस पर दोबारा चावल डाल देंगे। अब इस पर स्लाइस में कटे हुए लेमन, 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें, फ्राई की हुई प्याज, धनिया और पुदीने के पत्ते। यहाँ हमने 2 खाने के चम्मच दूध में जर्दे का कलर मिक्स कर दिया है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। अब इस पर बाकी बचा हुआ कोरमे वाला ऑयल डाल देंगे।
अब हम इसको कवर करेंगे और 20 मिनट तक इसको दम पे रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं बिरयानी को दम पे रखे हुए, अब हम इसको चेक कर लेंगे। बीफ बिरयानी तैयार है, अब इसको सर्व करेंगे। बीफ बिरयानी को सर्व कर दिया है। आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। पहले हमने खीर बनाई थी जो कि बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, और दूसरी हमने बीफ बिरयानी बनाई है जो कि बग़ैर बिरयानी मसाले के बनी है। आप इन दोनों रेसिपीज़ को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपकी बीफ बिरयानी और खीर कैसी बनी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।